वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DUJET 2020 आंसर की के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, DUJET 2020 का जो आंसर की है वो रिलीज हो चुका है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप अपना DUJET 2020 का जो आंसर की है उसे जो है चेक कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका PDF किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर DUJET 2020 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप शुरू करते हैं DUJET 2020 आंसर की चेक करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो गाइस, उसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगी, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप गाइस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस टाइप एक न्यू पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के न्यू पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है DUJET 2020 आंसर की रिलीज, यानी कि आप लोगों का आंसर की रिलीज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DUJET 2020 आंसर की हैज बीन रिलीज ऑन 27 सितंबर। तो गाइस आपको यहाँ पे आने सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉलम पे आने तक। जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉलम पे आ जाएंगे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DUJET 2020 आंसर की हैज बीन रिलीज ऑन 27 सितंबर, क्लिक है टू व्यू आंसर की। तो आपको सिंपली क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, न्यू पेज ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने, जिसका इंटरफेस कुछ गाइस इस तरह से रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जो एनटीए की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। पर डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट किस तरह से रहना चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले ईयर आना चाहिए, फिर मंथ और फिर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा ईयर 1999 डाल देता हूँ मैं, उसके बाद मेरा मंथ डाल देता हूँ मैं 5th month, और उसके बाद डेट डाल देता हूँ 13। तो इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे चुके हुए, और फिर आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। वहाँ से आप आसानी से अपना जो एडमिट जो आपका आंसर की उसे आप जो डायरेक्टली जो है व्यू करके जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्टली चैलेंज भी कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप अभी आप लोगों को DUJET 2020 का जो आंसर की उसे डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई भी इशू फेस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई आंसर की डाउनलोड करने में DUJET की, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।